सुप्रभात बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं, शब्द निर्माण। हमने इसके पहले शब्दों का शब्द विचार, वर्ण विचार का अध्ययन करा है। अब शब्द निर्माण किस तरह किया जाता है, क्योंकि शब्द में कई बार मूल शब्द के साथ हम या तो उसके आगे या उसके पीछे कुछ शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं और किस तरह उसके आगे या पीछे शब्द लगाकर हम नया शब्द बना सकते हैं, तो आज हम इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। शब्द निर्माण जिस उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा हम करेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो उपसर्ग जो है, कुछ शब्दांश वाक्य जो शब्द होता है उसके पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अगर हमने देखा शब्द पुत्र, पुत्र शब्द है, लेकिन अगर इसके पहले हमने एक शब्दांश है सु, वो लगा दिया तो सुपुत्र, पुत्र यानी बेटा, सुपुत्र यानी अच्छा बेटा। अगर उसी के हमने सु हटाकर कु लगा दिया तो वहां हो जाएगा कुपुत्र, मतलब बुरा बेटा। तो इस तरह किसी भी शब्दांश, कोई भी शब्द के आगे अगर कोई शब्दांश जोड़ दिया जाता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आप सभी को अपनी अपनी किताबें खोलना है और पेज नंबर 27 निकालेंगे। इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे सुपुत्र, वन, वन के आगे उप लगा दिया तो उपवन, पढ़ के आगे अन लगा दिया तो अनपढ़। इस तरह जो शब्द होते हैं, जो शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो यहाँ पर उपसर्ग जो है मूल शब्द के आरंभ में आगे जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन लाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसके उपसर्ग के हम यहाँ 4 प्रकार देखेंगे। एक तो हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के अव्यय और विदेशी या आगत उपसर्ग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो होते हैं वो जैसे पढ़, पढ़ के आगे लगा है अन, अनपढ़ हो गया। पका, अध लगा दिया उसमें हिंदी का उपसर्ग तो अधपका हो गया। पुत्र के आगे अगर हमने सु लगा दिया तो सुपुत्र। इसके अन्य उदाहरण हम देखेंगे। अन, अन का अर्थ होता है अभाव, अनपढ़, अनबन, अनमोल। अध मतलब आधा, अधपका, अधखिला, अधकचरा। कु, कु का अर्थ है बुरा, कुचाल, कुढंग, कुमार, कुबुद्धि। चौ, चौ मतलब चार, चौमासा, चौराहा, चौकन्ना, चौपड़। उन मतलब एक, कम, उनसठ, उनचास, उनतालीस। पर यानी दूसरा, इसका अर्थ होता है दूसरा, तो परदादा, परनानी, परदादी, परपोटा, परवस। बिन, बिन का अर्थ होता है बिना, बिन मांगे, बिन ब्याही, बिन जाने, बिन खाए। सु, सु यानी अच्छा, तो इससे हम जो शब्द बनाएंगे सुजान, सुखड़, सुपुत्र, सुपर। तो ये सब हिंदी के उपसर्ग थे। अब हम देखेंगे संस्कृत के, इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है और ये संस्कृत से मूल उपसर्ग होते हैं, मतलब संस्कृत से इसी तरह आकर जो है मूल शब्द में जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। उपसर्ग है अ और उसका अर्थ होता है अभाव, जैसे अज्ञान, अधर, अकाल, अहिंसा। अनु यानी पीछे, अनुचर, अनुक्रम, अनुकरण। अप यानी बुरा या दीन, अपशब्द, अपमान, अपयश। अव यानी ही, अवसर, अवकाश, अवगुण। उप यानी निकट, उपकार, उपदेश, उपग्रह। प्रति मतलब ओर या विरोध, प्रतिशोध, प्रतिकूल, प्रतिदिन। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत
के अव्यय पढ़ेंगे। संस्कृत के कुछ अव्ययों को उपसर्ग की भांति प्रयुक्त किया जाता है। और अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन आदि के लिंग वचन कारक काल के अनुसार अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो इसमें उपसर्ग है अंत मतलब अंतर, अंतर्मन अंतरात्मा, अंतर मतलब भीतरी, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय, अध मतलब पतन, अधोपतन अधोगति, चिर बहुत देर, चिर कुमार चिरंजीव चिरस्मरणीय, पुनर मतलब दोबारा या फिर, पुनरुक्ति पुनरुत्थान पुनर्कथन पुनरुत्थान। तो ये सब संस्कृत के अव्यय जुड़े हैं। उसी प्रकार विदेशी या आगत उपसर्ग हिंदी से बाहर आए विदेशी भाषाओं के शब्दों में लगने वाले विदेशी उपसर्ग को आगत उपसर्ग कहते हैं। मतलब हिंदी भाषा में हमने देखा है कि बहुत से शब्द बाहर के भी आए हुए हैं और उन्हें हम विदेशी या आगत कहते हैं। उसी प्रकार कुछ उपसर्ग भी विदेशी या अन्य भाषाओं से आए हुए हैं तो उसे हम हिंदी भाषा में अगर जोड़ते हैं तो उन्हें विदेशी उपसर्ग कहते हैं। इनमें है वा मतलब सही, बाकायदा बाइज्जत बादम, बे मतलब बिना, बेखटके बेहोश बेघर बेईमान बेगुनाह, बद मतलब बुरा बदनाम बदसूरत बदबू बदजन, खुश मतलब अच्छा खुशबू, खुश दिन खुशहाल खुशबू, ला अभाव या बिना, लाजवाब लापता, लावारिस लाइलाज, गे मतलब भिन्न, गैर कानूनी गैर सरकारी गैर जरूरी, सर मतलब मुख्य सरकार सरताज, ना मतलब अभाव या नहीं, नालायक नागारा नापसंद नाभी। अब इसी तरह अंग्रेजी के उपसर्ग जो होते हैं जैसे वाइस, वाइस मतलब सहायक, वाइस कैप्टन वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रिंसिपल, हेड यानी प्रधान या मुख्य, हेड कांस्टेबल हेड मास्टर हेड क्लर्क, डिप्टी मतलब उप या सहायक, डिप्टी कमिश्नर डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट मतलब सहायक, असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट टीचर, चीफ यानी प्रधान या मुख्य, चीफ कमिश्नर चीफ मिनिस्टर। इस तरह हमने उपसर्ग जो कि कुछ शब्दांश शब्दों मूल शब्दों के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ऐसे शब्दों को हमने क्या कहा है? उपसर्ग। अब हम प्रत्यय कल पढ़ेंगे, इसके दूसरे भाग में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ऐसे शब्दों को जोड़कर जो मूल शब्द ढूंढना है और उनको लिखना है कि किस तरह हम उपसर्ग लगाकर नए शब्द बना सकते हैं। तो इसका अध्ययन करेंगे, इसको उदाहरण देखेंगे और शब्द निर्माण करेंगे। धन्यवाद।